रिलायंस जियो ने वादे के मुताबिक अपने प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ प्लान्स में बदलाव कर दिए हैं। नए प्लान्स 19 अक्टूबर से लागू भी कर दिए गए हैं। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि जियो ने जो प्लान पेश किए हैं क्या वो पहले की तरह ही सस्ते हैं या फिर प्लान्स महंगे तो नहीं हो गए। सबसे पहले जब आप प्लान्स पर नज़र डालते हैं तो ये साफ हो जाता है कि इनसे अब ग्राहकों को पहले जितना फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, ये पहले की ही तरह बाकी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले किफ़ायती ज़रूर हैं। रिलायंस जियो के प्लान में किए गए बदलाव का असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा, आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब इस एपिसोड में। शुरुआत करते हैं प्रीपेड प्लान से। कंपनी की कोशिश रही है कि प्लान्स की कीमत के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। हालांकि कई रिचार्ज की वैलिडिटी कम कर दी गई है, तो वही कुछ में 4G डेटा अब पहले के मुकाबले कम मिला करेगा। चलिए पहले 399 रुपये के रिचार्ज यानी दे धनाधन ऑफर पर एक नज़र डालते हैं। ये प्लान पहले 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता था, लेकिन अब इसे घटाकर 70 दिन कर दी गई है। हाँ, लेकिन इस प्लान के साथ मिलने वाले ऑफर के साथ कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किए हैं। अब भी पहले की ही तरह इसमें हर दिन अनलिमिटेड डेटा और 4G स्पीड में 1 GB डेटा ही मिलेगा, और इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा भी जारी रहेगी। जो सुविधा आपको पहले 399 रुपये के रिचार्ज में मिलती थी, अब उसके लिए आपको 60 रुपये अधिक खर्च करने होंगे। यानी 84 दिनों तक अनलिमिटेड डेटा, कॉलिंग और SMS की सुविधा पाने के लिए अब आपको 459 रुपये खर्च करने होंगे। यानी जियो दे धनाधन ऑफर जो आपको पहले 399 रुपये में मिलता था, वो अब आपको 459 रुपये में मिला करेगा। चलिए अब जानते हैं 309 रुपये के रिचार्ज के बारे में। इस प्लान में पहले 56 दिनों तक 1 GB डेटा रोज़ दिया जाता था, लेकिन अब इसे प्रीपेड रिचार्ज की लिस्ट से निकाल दिया गया है। हालांकि अब भी रिचार्ज कराने के दौरान यूजर के पास इस पैक को चुनने का विकल्प रहेगा। इसी के साथ अब 999 रुपये के प्लान में 90 GB की जगह 60 GB डेटा मिला करेगा। हाँ, लेकिन इसकी वैलिडिटी अब भी 90 दिन रखी गई है और इसमें अन्य ऑफर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसा ही 1999 और 4999 रुपये वाले पैक के साथ किया गया है। 1999 के रिचार्ज में अब ग्राहकों को 155 GB की जगह 125 GB डेटा मिलेगा। वही इसकी वैलिडिटी 180 दिन रखी गई है। वही 4999 रुपये के प्लान में 380 GB की जगह अब 350 GB डेटा दिया जाएगा। यह प्लान 360 दिनों की वैलिडिटी के साथ आएगा। ये बदलाव बताते हैं कि कंपनी ने कीमत में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, सिर्फ 4G स्पीड डेटा को बदला गया है। अगर हम छोटे रिचार्ज पर गौर करें तो अब 19 रुपये के रिचार्ज पर 200 MB की जगह 150 MB डेटा पाएंगे। एक और बदलाव जो कंपनी ने किया है कि सभी डेटा प्लान में 4G डेटा की लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड अब पहले के मुकाबले कम मिला करेगी। पहले 4G डेटा लिमिट पूरी होने के बाद 128 KBPS की स्पीड मिलती थी, वही अब ग्राहकों को 64 KBPS की स्पीड से डेटा मिला करेगा। ऐसा नहीं है कि ग्राहकों को सिर्फ नुकसान हुआ है। टैरिफ प्लान में किए बदलाव का सबसे बड़ा फ़ायदा 149 रुपये के प्लान को चुनने वाले यूजर्स को होगा। अब इन यूजर्स को 28 दिनों तक यूज करने के लिए 2 GB की जगह 4 GB डेटा मिला करेगा। चलिए अब थोड़ा पोस्टपेड प्लान्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आप पोस्टपेड यूजर हैं तो आप इस बात से चौंक सकते हैं कि सभी प्लान्स की वैलिडिटी कम कर दी गई है। जियो के सभी पोस्टपेड प्लान्स अब एक बिलिंग साइकिल यानी 30 दिन की वैलिडिटी के साथ ही आते हैं। वही पहले पोस्टपेड यूजर्स को 3 महीने के लिए एक ही बिल का भुगतान करना पड़ता था। अगर हम प्लान्स की बात करें तो 309 रुपये वाला प्लान अब भी पोस्टपेड लिस्ट में शामिल है। इस प्लान में 400 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट करने पर 30 GB डेटा हर रोज़ मिला करेगा। वही 409 रुपये वाले पैक में 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होंगे और यूजर को बिना किसी डेली लिमिट के 20 GB डेटा मिलेगा। 509 रुपये के प्लान में 2 GB प्रतिदिन के हिसाब से कुल 60 GB डेटा दिया जाएगा और इसके सिक्योरिटी डिपॉजिट 600 रुपये होंगे। वही अगर आप डेली 3 GB डेटा चाहते हैं तो 950 रुपये डिपॉजिट करके नया 799 रुपये वाला प्लान ले सकते हैं। जियो का सबसे महंगा पोस्टपेड प्लान 999 रुपये का है, जिसमें यूजर को बिना किसी लिमिट के 60 GB डेटा दिया जाएगा। इस प्लान के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 1150 रुपये देने होंगे। तो दोस्तों, ये थे वो बदलाव जो जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स में किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए
और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ लाता रहता हूँ।